बहुत जल्द अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गुड़गांव से अजमेर या जयपुर का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो? अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इस ट्रिप में आपको कितना टोल टैक्स देना पड़ेगा, कितना पेट्रोल का एक्सपेंस होगा, जयपुर में आप कौन सी जगह स्टे कर सकते हो एंड इवन अजमेर में भी आप कौन से होटल में स्टे कर सकते हो, वो सारा सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो फटाफट करती हूँ मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट एंड आई होप कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरी वीडियोस देखते भी हो, तो आपको पता होगा कि लास्ट मंथ यानी जनवरी एंड में मैं और आकार गए थे गुड़गांव से अजमेर और अजमेर से जयपुर। तो मुझे लगा इस रोड ट्रिप का एक डिटेल वीडियो बना लूं, ताकि अगर आप लोग भी ऐसा कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको पूरे एक्सपेंस की डिटेल वीडियो मिल जाए। तो इसी को पूरे मद्देनजर रखते हुए ये पूरा डिटेल में एक पूरा लिस्ट बना लिया है। जो जो पॉइंट मुझे इस ब्लॉग में आपसे शेयर करना है, वो सारा सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ और आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि ये ट्रिप हमारा 2 nights and 3 days का था और हम लोग सबसे पहले अजमेर गए थे। गुड़गांव से अजमेर ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे लगते हैं। तो हम लोगों ने हमारा जो ट्रिप स्टार्ट किया था वो था 26 January को ऑलमोस्ट 12:30 बजे और हम लोग अजमेर पहुंच भी गए थे 6 बजे तक। मतलब 6 बजे तक हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया था। इस रोड ट्रिप में ना यानी गुड़गांव से अजमेर हम लोग सिर्फ एक जगह ही रुके थे, वो भी लंच करने के लिए, और आई थिंक ऑलमोस्ट 40 to 45 minutes के लिए। उसके बाद हम लोग कहीं पे भी नहीं रुके, सीधे हम लोग होटल में रुके थे। तो ये था हमारा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रेक्स ले रहे हो या आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने कौन सा रूट फॉलो किया था। तो गुड़गांव से अजमेर जाने के लिए हम लोगों ने लिया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये एक्सप्रेसवे ना मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहती हूँ कि यार अगर आप इस एक्सप्रेसवे में कभी नहीं गए सो और अगर आप जयपुर जा रहे हो तो यही रूट फॉलो करना, क्योंकि इतना अच्छा है ना ये एक्सप्रेसवे, बिल्कुल क्लीन एंड 4 lane इसमें बने हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा इस ट्रिप में टोटल कितने हमने टोल प्लाजा अक्रॉस किए थे और हमारा कितना टोटल हमने टोल टैक्स पे किया था। तो गुड़गांव से अजमेर जाने के लिए हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिए थे और उसमें टोटल टोल हमें देना पड़ा था 940 rupees, जिसमें हमें 1 toll plaza क्रॉस करने पड़े थे। उसके बाद हम लोग अजमेर से गए थे जयपुर और इसके लिए हमने टोटल 5 toll plaza क्रॉस किए थे और 290 rupees हमने टोटल टोल टैक्स दिया था। नेक्स्ट हम आए थे जयपुर से गुड़गांव और उसके लिए हमने टोटल 620 rupees पे किया था टोल और हमने 3 toll plaza क्रॉस किए थे। तो ये था हमारा टोटल टोल एक्सपेंस। अब मैं बात करती हूँ कि पेट्रोल में हमारा एक्सपेंस क्या है। तो टोटल घूमना कह लो यानी गुड़गांव से अजमेर में पूरा घूमना, उसके बाद अजमेर से जयपुर जाना, जयपुर भी पूरा विजिट करना, उसके बाद जयपुर से गुड़गांव वापस आने में हमें ऑलमोस्ट 5000 rupees हमने पेट्रोल में एक्सपेंस किए। तो ये था हमारा टोल एंड पेट्रोल का एक्सपेंस इस रोड ट्रिप के लिए। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों ने अजमेर और जयपुर में कौन सा होटल बुक किया था। इस ट्रिप के लिए हम लोगों ने जो होटल बुकिंग की थी वो हमने किया था अगोड़ा वेबसाइट से। मुझे पर्सनली अगोड़ा वेबसाइट काफी अच्छी लगती है फॉर होटल बुकिंग। इसमें एक तो होटल के जो प्राइजेस रहते हैं वो आपको बहुत सही मिल जाते हैं, यानी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होते। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, मुझे अगोड़ा वालों ने कोई पैसे नहीं दिए, ये जस्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, इससे पहले हम लोग जब दुबई भी गए थे या कहीं और भी जाते, तो ऑलमोस्ट हम लोग हमारे होटल बुकिंग्स अगोड़ा से करना पसंद करते। तो इस ट्रिप में भी हम लोगों ने जितने भी होटल बुक किए थे वो अगोड़ा से ही किए थे। तो जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि ये ट्रिप हमारा 2 nights and 3 days का था, तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले गुड़गांव से जब अजमेर गए थे तो हमें एक होटल यानी एक नाइट हमने अजमेर में स्टे किया था एंड सेकेंड नाइट हमने जयपुर में किया था।
अजमेर में हम लोगों ने जो होटल लिया था उसका नाम था एलेन कोर्टयार्ड। वो ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें मैंने एलेन कोर्टयार्ड के रूम का पूरा अच्छे से रूम टूर दिया था, उसके बाद आपको उसका पूरा डिटेल बताया था। तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अगर मैं बात करूँ उसके प्राइसेस की, तो एलेन कोर्टयार्ड का जो वन नाइट का हमने जो पेमेंट किया था वो था 3600 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अब बात करते हैं कि जयपुर में हम लोग कहाँ रुके थे। तो जयपुर में हम के रॉयल होटल आमेर रोड में रुके थे। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कहीं राजा महाराजा वाली हवेली जो होती है ना, बिल्कुल वैसा वाला फील आ रहा था। तो अगर आप भी जयपुर जा रहे हो और आपको भी थोड़ा सा जयपुर स्टाइल में यानी राजा महाराजा टाइप वाला कुछ स्टे चाहिए, तो आप ये वाला होटल चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को भी काफी अच्छा लगेगा। इस होटल की एक बहुत अच्छी बात थी कि इस होटल से यानी के रॉयल होटल से आमेर फोर्ट बिल्कुल 5 मिनट्स था। तो अगर आप अपनी गाड़ी वहां नहीं भी लेके जाना चाहते हो तो होटल में ही पार्क रहना, आराम से वॉकिंग डिस्टेंस में आप आमेर फोर्ट तक पहुंच जाओगे। सो ये एक बेनिफिट था हम लोगों का इस होटल में रुकने का। अब बात करते हैं कि वन नाइट का इसका चार्जेस कितने थे। तो हम लोगों ने टोटल पे किया था 5500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। दोनों ही होटल के ना फूड क्वालिटी एंड टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने दोनों ही होटल के प्रॉपर वीडियो बनाए थे। तो मैं बताती हूँ कि इस 2 नाइट 3 डेज के ट्रिप पे हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। तो 26 को तो पहुंचते ऑलमोस्ट 6:30 शाम के बजी गए थे। तो हम लोग कहीं पे भी नहीं गए, आराम से हम लोग होटल में थे, हम लोग ने चिल किया। नेक्स्ट डे यानी 27 से हमने घूमना स्टार्ट किया। तो 27 को फटाफट लंच करके आराम से हम लोग पहुंच गए अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह में 1.5-2 घंटे लग गए थे वहां पे पहुंच के। उसके बाद हम लोगों ने पूरा वहां पे घूमा, सब कुछ करते करते 2-2.5 घंटे हो गए थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सीधे अजमेर से जयपुर आ जाते। हालांकि हमारा प्लान पुष्कर जाने का भी था, क्योंकि अजमेर से पुष्कर हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं। बट हमें ये भी लगा कि अगर हम लोग पुष्कर जाएंगे फिर वहां पे थोड़ा सा घूमेंगे, वो सब करते करते भी 2-2.5 घंटा लग जाएगा। तो हम लोगों ने प्लान में थोड़ा सा चेंजेस किया और हम लोग अजमेर से डायरेक्ट आ गए जयपुर। जयपुर आते ही मैं सबसे पहले गई बापू बाजार। यार क्या बाजार था, मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं पूरा बाजार ही लूट लूं। हालांकि उस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पूरा ब्लॉग अच्छे से देखना। उसके बाद हम लोग होटल में हम लोगों ने चेक इन किया के रॉयल में। और नेक्स्ट डे हम लोग सबसे पहले गए आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट इतना बड़ा है ना कि 3 घंटे हम लोगों को लग गए पूरा फोर्ट घूमने में। हम लोगों ने गाइड लिया जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि यार कहाँ क्या है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी, जो कि बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग गए हवा महल, जल महल और हम लोग गए राधा गोविंद मंदिर में। वो इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे दर्शन करके। तो अगर आप भी जयपुर जा रहे हो तो वहाँ ज़रूर जाना। ये सब घूमते फिरते हम लोगों को शाम को 7 बज गए थे। हम लोगों ने ये भी सोचा था कि हम लोग और एक दो जगह जाएंगे, बट बिल्कुल टाइम नहीं हुआ। सो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं वहाँ टाइम स्पेंड किया और हम लोग वापस आ गए। गुड़गांव आते आते रात के ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे। बट हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस था तो टाइम से घर आना भी ज़रूरी था। तो खैर, ये मैंने आपको ये ट्रिप बताया कि कौन सा होटल बुक कर सकते हो आप, उसके बाद कहाँ कहाँ घूम सकते हो। एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप जयपुर जा रहे हो तो यार थोड़ा सा ना ऐसे विंटर सीजन में ही जाना, गर्मियों में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो फोर्ट घूमने में ना हालत ख़राब हो जाएगी। हम लोग अभी यानी जनवरी में गए थे एंड में, तब भी आमेर फोर्ट घूमते घूमते ना मुझे ऐसा लग रहा था यार गर्मी में जो लोग आएंगे ना उनको तो बिल्कुल क्या ही उनका होगा। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि गर्मी में जाना, जब थोड़ा सा विंटर आए या थोड़ा बारिश वारिश हो, अब वेदर अच्छा हो तभी घूमने जाना, तब आराम से घूम पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। तो अब बताती हूँ मेरा बेस्ट पार्ट में मैं फाइनली आ गई हूँ, क्योंकि अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जयपुर से मैं
क्या क्या चीजें लेकर आई हूँ, बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ अपने लिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके लिए, तो वो अभी सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखो, इतनी सारी शॉपिंग करके मैं लेकर आई हूँ जयपुर से। इन सब पैकेट्स में मेरे जयपुर की शॉपिंग है, जयपुर की यादें है। सो इन सब पैकेट्स को एक एक करके मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं वहां से क्या क्या लेकर आई हूँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस अम्ब्रेला से, और इसे मैंने लिया था आमेर फोर्ट में, और ये मुझे मिला था 150 रुपए का। हालांकि वो बोल तो ज्यादा रहे थे, बट मैंने नेगोशिएट किया और उन्होंने मुझे ये 150 रुपए का ही दिया। इसमें ना पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। तो नेक्स्ट मैं लाई हूँ ये विंड चाइम, और ये मुझे दो मिला था 200 रुपए का। इसे मैंने लिया था बापू बाजार से, काफी अच्छे लगते हैं मुझे ये, एंड इसकी जो आवाज है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अभी ये सब मैंने बिल्कुल भी कहीं नहीं डेकोरेट किया अपने घर में, वेट कर रही थी कि मैं कब इस ब्लॉग को शूट करूं और उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से अपने घर में डेकोरेट करूंगी। तो नेक्स्ट है ये पगड़ी, इसे राजस्थानी पगड़ी कहते हैं। इस पगड़ी को आपने पहने मेरे बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा। ये मैंने लिया था 150 या 200 रुपए। नेक्स्ट मैंने लिया था आमेर फोर्ट से ही ये राजस्थानी बैंगल्स। ये कलरफुल बैंगल्स हैं, काफी अच्छी लगती है, एंड मिरर लगा हुआ है इसमें, और ये ना मतलब कोई भी साड़ी सूट इन सब के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और इसका भी प्राइस मुझे ऐसे 200-250 में मैंने लिया था। नेक्स्ट लिया है मैंने ये कट पुतली। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, बट मैंने ये वाले दोनों कलर लिए क्योंकि ये थोड़ा सा ना डार्क भी लगते हैं। हालांकि वहां पे तो उन लोग अच्छे से कठपुतली डांस ऐसे करवा के दिखा रहे थे, वो तो मुझे नहीं आता है करना, बट हाँ होम डेकोरेशन के काफी अच्छे लगते हैं। और इसे भी मैंने लिया है बापू बाजार से ही। नेक्स्ट मैंने लिया है ये एक नेकलेस। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं ये सारी चीजें खरीद रही थी, तो ये भी मैंने बापू बाजार से लिया है, और ये मुझे 50 रुपीज का वहां पे मिला है। बापू बाजार में जहाँ मैंने सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया था वो था एक जुत्ती की, यानी मोजरी, या आप उसे राजस्थानी जुत्ती भी कह सकते हो, वैसी शॉप। काफी अच्छी मुझे वो शॉप लगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो ऑल ओवर इंडिया हर जगह आपको डिलीवर करवा देते हैं, तो उनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, मैंने ब्लॉग में ऑलरेडी दिखाया भी था। तो वहां से मैंने 2 जुत्ती ली है, और एक इस तरह की सैंडल आप कह सकते हो ये लिया है। इसमें यहाँ पे जो पर्ल का जो काम किया हुआ है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की जो चप्पलें होती है या सैंडल्स होती है ना, ये सूट्स पर बहुत अच्छी लगती है, इवन हर आउटफिट के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक मैंने लिया है। नेक्स्ट लिया है मैंने ये वाली मोजरी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैंने जैसे ही देखा था मैंने तुरंत इसे अपनी तरफ खींचा कि ये तो मैं लेकर ही जाऊंगी। तो ये एक मैं लेकर आई हूँ, इसमें थोड़ी सी हील भी है, तो ये साड़ी के साथ भी काफी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट जो मैं लेकर आई हूँ एक और मोजरी ही है, और वो है ये मल्टी कलर की, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। इसमें बिल्कुल भी हील नहीं है, ये भी मुझे काफी अच्छी लगी थी। सूट के साथ ही मतलब इस तरह की जुत्ती काफी अच्छी लगती है। इसमें भी घुंघरू लगा हुआ है, तो ये मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं लूंगी। तो इन सब से जो हट के चीज है जो मैंने खरीदी है वो है ये। आप सोचोगे कि यार ये क्या है, दुपट्टा है या क्या है, तो बता दूं कि ये है साड़ी, और इसका जो लुक है ना वो पहनने पे आई नो कि बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बेसिकली ये साड़ी है कुछ इस तरह की, लहरिया प्रिंट से शायद कहते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। इसमें ना इधर साइड पूरा लहरिया है, एंड इधर इस तरह के का कुछ प्रिंट है, बिल्कुल शिफॉन की ये साड़ी है। वहां पे तो लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल रिंग से निकल जाएगी, इतनी सॉफ्ट, एंड सच में यार ये इतनी सॉफ्ट है ना ये साड़ी, मुझे पता है कि पहन के ना मस्त लगने वाली है। एंड इसके साथ ये ब्लाउज पीस भी दिया हुआ है प्लेन रेड कलर का, तो अभी ये सब भी मुझे स्टिच करवाना है। नेक्स्ट मैं बहुत सारे ना फ्रिज मैग्नेट लेकर आई थी, तो राजस्थान की थीम के मैं बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट लेकर आई थी अपने लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। बहुत सारे हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, ये 2-3 ही बाकी है अभी, तो ये भी एक मैं लेकर आई थी।
सो ऑलमोस्ट आई थिंक हो गया है जो जो मैं वहां से लेकर आई थी, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, सारी डिटेल्स बता दी है। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। स्टिल अगर मैं कुछ भूल गई हूँ या आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। फिलहाल अभी करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यही एंड, एंड आई होप कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दूसरों में ढेर सारी खुशियां बांटिए। बाय।